कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, जीवन में कठिनाइयां तो तमाम आती हैं, लेकिन अगर हम शांत रहकर प्रयास करेंगे, इन कठिनाइयों का निवारण ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और निवारण की जब बात आती है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है, क्योंकि इस मंच से जुड़कर आपको वो सही दिशा मिलती है जो आपको ये बताती है कि जीवन में क्या करना आपके लिए सही रहेगा, क्या करना आपके लिए उचित रहेगा। तो आइए आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जाने माने ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष सम्राट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी का। स्वागत है गुरुजी। जी, जय माता दी, नमस्कार। दर्शकों, अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके मन में जितनी भी बातें चल रही हैं, जब आप इस मंच से जुड़ते हैं, कभी भी आपको वो बातें अपने मुख से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि गुरुजी खुद ब खुद समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। दर्शकों, मैं जब से कार्यक्रम दे रहा हूँ और मैं कभी भी किसी को अपनी समस्या नहीं बताता, सॉरी माफ करेंगे, मैं निदान नहीं बताता। लोग को समस्या बता देते हैं, निदान नहीं बताता। निदान नहीं बताने का मुख्य कारण होता है कि मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी कुंडली का सही सही गणना हो और सही गणना होकर के तब आपको निवारण दिया जाए। और सिर्फ एक ही मेरा मोटिव होता है इस कार्यक्रम में कि हम आपको सावधान करें। आज प्रायः शिकायतें मिलती हैं, लोग आते हैं हमारे पास भी, कहते हैं गुरुजी मैंने 10 ज्योतिष से मिल लिया, 15 से मिल लिया, 20 से मिल लिया, मेरे इतने पैसे ठगे गए, मेरा रत्न वापस नहीं होता है, मैं बर्बाद हो गया। कोई कहते हैं कि गोल्ड लोन रख करके मैंने रत्न खरीदा था, वापस नहीं हो रहा है। हम आपको सिर्फ सावधान करने का प्रयास करते हैं बस दो बातों से। वो पहली बातें क्या होती है कि मैं कहता लोगों को कि किसी भी ज्योतिष से कभी भी मिलना पड़े तो आप अपनी प्रॉब्लम भूल के मत बताइए। उससे क्या होगा, आपको ये जानकारी मिलेगा, समझ में आएगा कि आपके अगले जो ज्योतिष है सामने में वो आपके बारे में कितना जान रहे हैं। यदि वो आपके बारे में खुद जान जाएंगे तो आपको निदान भी देंगे। और उसी तरह से हम रत्न की बात करते हैं कि रत्न भी आप ऐसा जगह से लें जहाँ कि आपको 10% काट के पैसे वापस हो, कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। बस सिर्फ मेरा एक मोटिव है कि आपको हम सावधान करें। और दर्शकों, मैं बता दूँ दिल से, यदि आपको लगता है कि शिवानंद जी आपको प्रॉब्लम को सही बता रहे हैं तो आप हमेशा याद रखें, आपको लाइव कार्यक्रम से, फोनी कार्यक्रम से कभी लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि आप किसी अच्छे ज्योतिष से मिल नहीं सकते। हम लोग कहते हैं क्या शिवानंद जी आपसे हम नहीं मिल सकते, मैं कहाँ कभी मना किया, ये मेरी आदत है, मैं किसी को बुलाता नहीं, लेकिन ये आपकी श्रद्धा है तो मोस्ट वेलकम है, मैं आपको बिल्कुल निमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल दर्शकों, डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इंतजार कर रहे हैं बात करने का, तो सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सागर जुड़े हैं पटना से। स्वागत है सागर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सागर जी बताएं, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरी पत्नी के बारे में पूछना है। आप अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ हमें दीजिए और उनका नाम भी बताइए। 1/5/93 जी, शाम के 4:15। कहाँ का जन्म है इनका? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का। इनका नाम क्या है? मधु। मधु, ओके। सागर मासा जुड़े हैं, अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। सागर जी, आपकी पत्नी की कुंडली बनी है? नहीं, उनके बना। अब कब बनाओगे भाई, इतनी उम्र निकल गई, इनके पापा मम्मी भी नहीं बनाए, आपकी शादी हो गई, आपने भी नहीं बनाया, तो क्या आपको किसी पंडित से, ज्योतिष से पूछ पूछ के काम चल जाएगा? कभी लाभ नहीं मिलेगा बेटा। मेरी बातें बिल्कुल थोड़ी सी कटु लगती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य से जुड़ा रहता।
जब तक पूरी 24 कुंडली नहीं बनेगी, आप किसी ज्योतिष से मिलोगे नहीं, आप फोन करते करते परेशान हो जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, यही होता है। कुछ कहते ज्योतिष, कहते हैं कोई ज्योतिषी कहते हैं पन्ना पहनो, कोई कहते पोखराज पहनो, कोई कहते नीलम पहनो, मैं क्या पहनूँ, वही बातें होती है। जितने डॉक्टर उतनी ट्रीटमेंट, जितने ज्योतिष उतने आपको सलाह मिलेंगे। तो मैं क्या कहता, मैं कहता ऐसे ज्योतिष से मिलो जहाँ खुद प्रॉब्लम बता दे और आपको महसूस हो कि नहीं ये मेरे लिए सही है, और आपको लगे सही है तो पूरा पूरा उनकी बातों को फॉलो करो। ये कुंडली कन्या लग्न की हो रही है, राशि इनके सिंह राशि हो रखे हैं। इस कुंडली में 99% ऐसे बच्चों को बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम भी उसी तरह से घेर रखा है। वो प्रॉब्लम क्या है, इनके भाग्य स्थान में केतु नीच का बैठा हुआ है, राहु नीच का बैठा हुआ है और मंगल भी एकादश घर में नीच का बैठा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि किसी की कुंडली में तीन ग्रह या तीन से ज़्यादा ग्रह जब उच्च के हो जाते तो चक्रवर्ती राजयोग बन जाता, अर्थात ऐसे जो महिलाएं होते या पुरुष होते वो IAS ऑफिसर बन सकते हैं। उसी तरह से किसी की कुंडली में तीन ग्रह या तीन से ज़्यादा ग्रह जब नीच के हो जाते तो बहुत परेशानी होता ज़िंदगी में, पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। जबकि कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, शनि मूल त्रिकोण राशि में, दिस हॉरोस्कोप इज द 99% गवर्नमेंट जॉब। ऐसे महिलाएं यदि BPSC मारे तो SSC मारे बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और बैंकिंग की बहुत टॉप कुंडली है। लेकिन समस्या क्या है, इनके जस्ट बगल में एक नमांस कुंडली होता है, नमांस में इनके बने हैं विषाक्त केमद्रुम जॉब। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चतुर्विशांश की ओर और दशमांश की ओर, तो दशमांश कुंडली भी बना हुआ है केमद्रुम जोग और 20 दोष। तो परिस्थिति क्या बना, जो चक्रवर्ती राजयोग बन गया इस चक्रवर्ती राजयोग को बिल्कुल समाप्त कर दे रहा है, और ये तैयारी करते रह जाएंगे, इनको ना जॉब लगने देगा और इनको लाइफ को सेट होने देगा। लाइफ सेट का मतलब कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत पति के साथ, अर्थात आपको पति पत्नी में भी तनाव देने का प्रयास करेगा, और थोड़ा सा संतान साइड से भी परेशानी बता रहा है। दर्शकों मैं फिर कह दूँ दिल से कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकती है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आप कहते हैं कि गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा है, यदि सही कहा है तो आप उसका उपाय भी करें। और पूरी कुंडली बनने में कम से कम 1 घंटे का समय लगना चाहिए, 24 कुंडली बनती है, और यही कारण होता है कि हमारे यहाँ जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो पूरे 1 घंटे का। ये हॉरोस्कोप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है, आपकी पत्नी की इतनी अच्छी कुंडली कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन बात क्या हो गई कि पूरे मकान में वायरिंग तो है, एक फ्यूज उड़ गया, मास्टर फ्यूज, कहानी खत्म। उसी तरह से इनकी लाइफ को ब्रेक कर ले रहा है। क्या आप सहमत हैं सागर जी? हाँ जी, सहमत जी बताइए। नहीं बस इतना ही कुछ जी, सहमत है तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से आपने आगे से ये भी कहा कि अब कोई प्रश्न नहीं पूछना है, यानी कि ये बात पूरी तरह से तय है कि आपके मन के जो सवाल थे उनका जवाब आपको अच्छी तरीके से मिल गया है। ऐसा होता है, मैं देखा है कि हमारे पास जब लोग मिलने के लिए आते हैं ना, इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर के आते हैं, लेकिन बाद कि में मुझे कुछ ये पूछना है तो मैं कहता हूँ भाई अपना लिस्ट रखो, मुझे बताने दो। जब मैं बता देता हूँ मैं कहता हूँ निकालो लिस्ट, तो कहते गुरु जी सब तो आपने बता ही दिया। तो ज्योतिष का ही मतलब होना चाहिए, ज्योतिषी की पढ़ाई इसलिए होती है कि जो भूत भविष्य वर्तमान को रीड कर ले, ये तो ज्योतिष है। बिल्कुल, और इसका सहारा आपको लेने की जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सके। आइए दर्शकों आगे बढ़े, अगले दर्शक से अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुनीता है अमृतसर से, स्वागत है सुनीता जी। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सुनीता जी, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 18/6/1987। समय 10:10 सुबह के। कहाँ का जन्म है? अमृतसर का। ठीक है, आप ही की डिटेल से रही है? बेटे की है मेरे। बेटे का नाम बताएं? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह, ठीक है। इनकी कुंडली बनी है? हाँ जी। सिंह लगन की कुंडली है, कुंभ राशि, सप्तम घर से बन गया केमद्रुम जॉब जी। सप्तम घर विवाह का, विवाह चौपट, अर्थात ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देगा, और विवाह हो गया तो चलने नहीं देगा। मेरी बात को गांठ मान लेना, ये सिर्फ शिवानंद ही आपको ऐसे हैं जो कि आपको तुरंत बता देते हैं विद इन ए मिनट कि क्या हो रहा है। और यदि हम सही बता देते हैं तो ग्रहों को देख के ही बताते हैं, आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे परिवार नहीं होते। तो जिस ग्रह को देख करके बताते हैं उपाय करेंगे ठीक हो जाएगा। इस कुंडली में ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, क्योंकि इनके बन रखे हैं मालव्य जॉब, और मालव्य जोग भी बहुत टॉप का, शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है वृषभ राशि में। तो ऐसे बच्चे चाहें तो सीधे UPSC मार्क के IRS निकाल लेंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इतनी अच्छी कुंडली मैं कह नहीं सकता। लेकिन इनके सप्तम घर से ही बन गया केमद्रुम जोग, जिसके कारण से इनको विवाह की बातें बनने नहीं देगा, और विवाह हो गई तो चलने नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को या तो टॉप का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य में मंत्री बन जाएगा, नहीं तो टॉप का A1 का उद्योगपति बन जाएगा, टॉप बिजनेसमैन। ये कुंडली बिल्कुल टॉप की है,
लो स्तर की, मीडियम स्तर की तो कुंडली है ही नहीं, लेकिन एकमात्र केंद्रम योग जो है इनकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दे रहा है। सिंह लगन की कुंडली है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है, तो दशा की ओर चलते हैं तो इनकी कुंडली में जो परिस्थिति बनता है कि 2011 से ही इनके समय खराब जा रहे हैं, आप उपाय नहीं करेंगे तो मार्च 23 तक का समय खराब है। अब 2.5 साल और है, हम तो 2.5 मिनट भी भारी लगता, तो आपको लगता है कि सही है तो आप अच्छे ज्योतिष से मिल करके या जहाँ श्रद्धा हो मिल करके इसका निवारण करवाएं। और यदि कोई ज्योतिष कहते हैं आपको कि काल सब दोष है, केमदुम दोष है, ये दोष है, आप उनको पूछें, आप उनको सेवा शुल्क देते हैं, आपका अधिकार बनता है कि गुरु जी मैं कैसे मानूं कि मेरा केमदुम योग है, डॉक्टर ने कहा पेट में स्टोन है, क्या मैं पेट खुलवा दूंगा, कभी नहीं, मैं क्या करूंगा पहले एक्सरे करवाऊंगा, अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा, यदि एक्सरे अल्ट्रासाउंड में निकल गया स्टोन है तब तो हर हालत में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं निकालूंगा पेट दर्द बना रहेगा। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके इसके उपाय करें, अन्यथा आपके बच्चे की टॉप कुंडली होते हुए भी पूरी लाइफ को खराब कर दे रहा है। सुनीता जी, क्या आप सहमत हैं गुरु जी की बातों से? जी जी मैम, सहमत है तो इसके आगे तो और कोई सवाल ही नहीं बनता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं बात करने का। प्रेमनाथ है पंजाब से, स्वागत है प्रेमनाथ जी। 26 अगस्त 1957 जी, 26 अगस्त 1957, टाइम बताएं। शाम के 8 बजे जी। कहाँ का जन्म है? शाम को 8 बजे जी। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब जी। कहाँ का है एक बार फिर से बताएं? डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, 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 ठीक है ठीक है, फिरोजपुर पंजाब का है। फोन लाइन पर जरूर रहिएगा मेरे साथ। 26 अगस्त है जी, 26 अगस्त, 26 अगस्त 1957 जी, रात के 8 बजे फिरोजपुर पंजाब। इनका नाम प्रेमनाथ है जी। भैया जी, आपने कुंडली बनवाई है अपनी? बनवाई है, छोटे होते ही बनवाई है, यहाँ हम गांव में रहते हैं। हाँ जी, मीन लगन की कुंडली है, राशि आपके सिंह राशि है, और आपकी कुंडली में सबसे पहले आपको स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का हेल्थ प्रॉब्लम देता है और आपको कोई ना कोई ऑपरेशन कराने का प्रयास करेगा। हाँ जी। आप कभी वाइन भी लिया है? हाँ जी। आपने कभी वाइन लिया है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, भूल के मत हाथ लगाना, जिस दिन हाथ लगाएंगे वाइन में आपका लीवर खराब कर देगा। इस कुंडली में लीवर डिस्टर्ब होने का पूरा कुंडली है, आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ज्यादा चल रखी है कुंडली में, राजयोग बना हुआ है, लेकिन चंद्र शनि का 20 दोष और छठे घर में सूर्य मंगल चंद्र, ये 3 ग्रह बैठ करके आपको हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी मेरा काम, गुरुजी मेरा काम नहीं होता कोई। मैं बता रहा हूँ भैया, प्लीज सुनिए, हमारे यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, हम बार बार यही कहते हैं कि ज्योतिष को बताइए नहीं क्या चाहते हैं आप, मैं बता रहा हूँ ना, हम उसका देखने तो दीजिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं आपके दशमांश कुंडली की ओर, तो दशमांश कुंडली में आपके बन रखे हैं पूर्ण केमद्रुम योग। यदि आपके पास कुंडली है तो आप देखेंगे दशमांश में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है आपके 2 नंबर में और आगे पीछे बिल्कुल खाली है, ये आपकी पूरी लाइफ को खाली कर दे रहा है। अर्थात 1957 का बर्न का मतलब कि आपकी उम्र 62 ईयर्स के आसपास हो गई है, और आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका जो लाइफ जो है बिल्कुल स्ट्रगल में जा रहा है। और मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में आपकी जो दशा जा रखे हैं वो शनि में वर्तमान दशा चल रखा है बुध का, तो कुंडली कह रहा है कि जून 13 से अभी अगस्त चल रहा है 19, अर्थात लगभग 6 वर्षों से आपकी परेशानी धीरे 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 बढ़ती जा रही है, आप उपाय नहीं करेंगे भैया जी, अक्टूबर 2025 तक आपकी स्थिति बद से बदतर कर देगा, बुरा मत मानना, हम आपको ग्रहों को देख के बता रहे हैं। यदि ग्रहों को देख के बता रहे हैं, आपको टाइम सही बता रहे हैं कि आप 6 साल से परेशान हैं, तो मेरा विश्वास है कि उसके अनुसार उपाय किया जाएगा तो आपको राहत भी मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति लोन में भी फंसते हैं, प्राइवेट लोन हो या बैंक लोन हो, लोन में भी आपको फंसा देगा। क्या आप सहमत हैं? हाँ जी, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है तो इनका निवारण करने की भी कोशिश कीजिए, जब आप सहमत हैं तो उपाय जरूर अपनाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगले दर्शक से बात करते हैं। मास्टर सुषमा है अमृतसर से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताए। हाँ जी 24 अगस्त। हाँ जी। 1952। हाँ जी। 5:15 अर्ली मॉर्निंग। कहाँ का जन्म है? अमृतसर का। आपकी ही डिटेल सही है? नहीं, मेरे हस्बैंड की है मैडम। नाम बताएं उनका। शशि। ठीक है, अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी टेवा बनी है? हाँ जी। इनकी टेवा बनी है जन्म कुंडली? हाँ जी बनी, हाँ जी बनी है जी। कर्क लगन की कुंडली है, कन्या राशि, आपने उपाय क्या किया? हमने पंडित जी सभी उपाय कर छोड़े हैं। क्या उपाय कर रखा है? इनके 20 दोष बने हैं, केमदुम दोष बने हैं, चंडाल दोष बने हैं, आप? हाँ जी 20 दोष है।
हाँ, तो आपने उपाय किया, किम डुम उसका उपाय किया? हाँ जी, वो शिवालय में जाके मैं नहीं मान सकता, मैं दीदी कतई नहीं मान सकता। यदि आपने उपाय किया तो आपके पैसे बर्बाद गए, आपके काम सही नहीं होते। यदि हम अच्छे डॉक्टर से दिखा लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक होगी, यदि हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर में कमी है, उनकी डायग्नोसिस में भी कमी है। तो आपने जिनसे निवारण करवाया उनसे बात करो कि मैं जब निवारण करवाया तो हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आपके पति की कुंडली में बीज दोष बना है, केमदूम दोष बना है और चंडाल दोष बना है। तो ऐसे व्यक्ति का पैसा भी फंसता है, लोगों से धोखा भी होता है, और बीज दोष का मतलब पूरे जीवन में जाल घोर देता है। और ये कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में सप्तमेश अर्थात मार्केश शनि हो जाता और शनि चंद्रमा के साथ बीज दोष बना दिया तो इनकी हेल्थ प्रॉब्लम को ज़्यादा परेशान करेगा। और कर्क लगन का जो कुंडली होता है इसमें जो परिस्थितियाँ बनता है ज़्यादा नहीं, ये मई 19 से इनके समय और रिवर्स शुरू हो गए हैं। मई 19 से लेकर के इनका समय जो है सितंबर 22 तक का बिल्कुल डिस्टर्ब टाइम है। धीरे 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 इनके हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। आप इनके हेल्थ पर ध्यान दें, किसी अच्छे डॉक्टर से भी मिलें। सिर्फ ग्रहों का निवारण करके हम मेडिकल का लाभ नहीं ले सकते, ग्रहों की आवश्यकता होती है लेकिन मेडिकल के ट्रीटमेंट के साथ साथ। जैसे मैं बता दूं, मैं दर्शकों नाम तो मैं कहीं बताया नहीं, हमारे पास बिहार से एक व्यक्ति आए जिनके बच्चे अभी कैंसर से जूझ रहे हैं और गुड़गांव में एडमिट हैं। बहुत आशा से मेरे साथ में आए थे, मैंने जो डेट मारा कि इस डेट में बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक 7 जुलाई से बच्चे की रिकवरी होना शुरू हो गई। लेकिन मैंने उनको ये भी कह दिया था कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी अच्छे से लो आप। हम कुंडली को देख करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं क्या समस्या है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रहों को निवारण करके हम आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे, कतई नहीं। ये एक आपके लाइफ का सपोर्टिंग पार्ट होता है, हमें ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। हम भाग्य की बात करते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, रत्न की बात करते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम रत्न पहन लें, निवारण करवा लें, काम भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मस्ट लक लेवर इज द मस्ट, लक सपोर्ट करता है। तो उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का भी सपोर्ट होता है। कुछ लोगों की धारणा होती है हम कर्म करेंगे तो सब कुछ हो जाता है, मैं नहीं मानता। कर्म तो प्रधान है, लेकिन मैंने इसी उम्र में देखा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि पूरी जिंदगी कर्म करते करते निकाल दिए, जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया और उन्हीं के बच्चे एक मारे तटराग से मंत्री बन गए। मैंने कई बार बताया है आपको। तो कहने का तात्पर्य होता है कर्म तो प्रधान है ही, साथ साथ हमें भाग्य और ग्रहों का भी सपोर्ट लेना है। तो आपके पति की कुंडली में आपके हेल्थ इनके हेल्थ प्रॉब्लम को ज़्यादा क्रिएट कर रखा है। आप सावधान हो जाएं, किसी अच्छे ज्योतिष से मिलकर के इसकी उपाय कराएं, अन्यथा आप डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे। जितने पैसे बचाएंगे ज्योतिष के उसके 10 गुना पैसे आपको डॉक्टर में बर्बाद हो जाएंगे। सुषमा जी क्या आप सहमत हैं? सुषमा जी क्या आप सहमत हैं? चलिए, शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, उम्मीद है आप सहमत होंगी, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई सवाल है सुबह 9 से 10 के बीच में कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर्स आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, आप कार्यक्रम को यहाँ पर हमें विराम देना होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद उसके लिए। गुरु जी जय माता दी, शिवरात्रि जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।